हमारे प्यारे सीईओ ऑफ सैंडलवुड यानी रॉकिंग स्टार यश ने हमसे अपने बर्थडे पर एक ऐसा प्रॉमिस किया है जिसको सुनने के बाद उनके जितने भी फैंस हैं वो खुशी से पागल हो गए। जी हाँ, ये सब लोग जानते हैं कि उनका बर्थडे 8th ऑफ जनवरी को आ रहा है। इट्स हिज 37th बर्थडे। पहले एंटिसिपेटेड था कि अपने बर्थडे पर अपनी नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कल एक मैसेज डाला इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात हमको बताई है कि वो इस बर्थडे पर हमसे एक छोटा सा गिफ्ट चाहते हैं जिस गिफ्ट का नाम है पेशेंस एंड फेथ। और पेशेंस अगर मांगा है उसका मतलब ये है कि वो इस बर्थडे पर इस वक्त कुछ भी अनाउंस नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसको जो कि वर्थ द वेट होगा। उन्होंने साफ अपने मैसेज में ये बात लिखी है दैट इट विल बी वर्थ द वेट। तो ये पूरा मैसेज क्या है और रॉकिंग स्टार यश आखिर किस फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, उस फिल्म में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और एक और फिल्म, एक अपकमिंग फिल्म जिसका एक गाना रिलीज हुआ है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं आपसे शेयर करती रहती हूं। तो कल शाम 6 बजे की बात है, करीब शायद 6 बजे थे, जब रॉकिंग स्टार यश का ये इंस्टाग्राम मैसेज आया, ये इंस्टाग्राम पोस्ट आया, और उस पोस्ट को मैं आपसे पढ़ के सुनाती हूं जो कि कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में था। तो मैं आपसे इंग्लिश वर्जन शेयर कर रही हूं। टू माई फैंस, माई स्ट्रेंथ, द एफर्ट यू ऑल पुट इन टू शोकेस योर लव एंड अफेक्शन ऑल ईयर अराउंड एंड स्पेशली ऑन माई बर्थडे फिल माई हार्ट विद ग्रेटिट्यूड। I have never been a birthday person, but over the years, witnessing the enthusiasm with which you celebrate and being able to meet you in person to mark the day has made it special. I'm working towards clinching something that I believe in and I'm passionate about. You are the ones who empower me to think bigger and better. When I meet you next, I want to share that news and all the details with you. To be able to do that, I need some more time, which seems unlikely, by the 8th of January. So this year, I will ask you all a special gift, the gift of your patience and understanding. This year on my birthday, I won't be in town and will not be able to meet you all. However, every wish and every gesture means a lot to me, and I promise you, I will make it worth the wait. With love, Yash. Amazing to know that he is working towards something that is that will be worth the wait. Ye sunke hi aur bigger aur better. Waise hi Yash kitna ऐसा कारनामा कर चुके हैं 2022 में जिससे सारी दुनिया हिल गई थी, और अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इससे भी बड़ा, इससे भी बेहतर होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी वो क्या चीज़ हो सकती है। तो जो अपकमिंग फिल्म जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये अपकमिंग फिल्म एक्चुअली एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसको लेकर यश बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और किसके साथ, हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर हैं जे पेरी, जिन्होंने आयरन मैन के एक्शन में काम किया था, एक्शन डायरेक्टर थे, उनके साथ वो गन शूटिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं सोच के ही गूज़बम्स हो जाते हैं, सोच के लगता है कि कुछ तो फोड़ने वाले हैं, कुछ सॉलिड चीज़ होने वाली है। वर्थ द वेट अगर लिखा है तो मतलब अपना वादा पूरा करने वाले हैं। जैसे अपने रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि, मैंने आपको भी बताया था कि जब वो कुछ करते हैं वो शांति से अपना काम करते हैं, शोर मचाते नहीं हैं ज़्यादा, और जब मचाते हैं तो सीधा हल्ला बोल होता है, सीधा मतलब गर्म जब लोहा हो जाता है उस पर हथौड़ा मारते हैं। रॉकिंग स्टार यश, रॉकी भाई, तो रॉकी भाई स्टाइल में उन्होंने हम सबसे पेशेंस मांगा है, अंडरस्टैंडिंग मांगी, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव हिम ऑल द टाइम दैट ही नीड्स, एंड वी वांट कि वो अब जब नेक्स्ट हमसे शेयर करें कुछ ऐसा, तो वो ऐसा हो कि सारी दुनिया हिल जाए, सीरियसली हिल जाए। तो ये अपडेट थी बड़ी मज़ेदार, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और जैसे मैंने बोला है कि एक और फिल्म है जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये रक्षित शेट्टी इससे फिल्म से जुड़ चुके हैं। इस फिल्म का नाम है होस्टल हुडुगुरु बेका गिदरे, ये इस फिल्म का नाम है, और इस फिल्म में 100 ऐसे एक्टर्स हैं जो कि नॉन एक्टर्स हैं, हु आर रियल कॉलेज पीपल, एंड एक्चुअली ये जितने भी एक्टर्स हैं ये बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और इस फिल्म का मैंने बहुत सारे इस फिल्म के वीडियोस देखे हैं जिसमें लेट डॉक्टर पुनीत राजकुमार ने लास्ट ईयर इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, एक टीज़र आ चुका है, और अब एक हॉस्टल एंथम आया है जिसको सुनने के बाद, कन्नड़ा लैंग्वेज में पूरा सॉन्ग है, बहुत मज़ेदार सॉन्ग है, मुझे तो वर्डिंग समझ नहीं आ रही, लेकिन जो उसका बीट है ना एक्चुअली वो मज़ेदार था। वो बी अजनेश लोकनाथ जी ने बनाया है, जो कि ही इज़ द म्यूज़िक कंपोजर, जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ही बेहतरीन म्यूज़िक कंपोजर हैं। किरिक पार्टी का म्यूज़िक इन्होंने बनाया था, इन्होंने रंगी तरंगा का इन्होंने म्यूज़िक बनाया था, और बहुत सारी उलिदवरु कंदनते का इन्होंने म्यूज़िक बनाया था। इज़ अ ग्रेट ग्रेट गाय। और सबसे मस्त बात यह कि इसमें जो स्पिरिट हमको सुनाई देती है वो एक यंग यूथ से कनेक्शन वाली, मतलब लग रहा था कि किरिक पार्टी की ही मैं सेकंड एक और चीज़ देख रही हूँ। और मस्त बात यह है कि रक्षित शेट्टी इसके साथ जुड़ चुके हैं, इस प्रोडक्शन के साथ जुड़ चुके हैं, परमवा का नाम जुड़ चुका है, इट्स अ ग्रेट थिंग। 16th ऑफ जनवरी डेट स्लेटेड है इसके रिलीज़ के लिए, और मुझे, आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर ये मेरे एरिया में लगती है, एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू इट वेरी सून अगर मेरे घर के आसपास लगती है। अगर आपने ये सॉन्ग सुना है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं आपका कैसा रिव्यू था, आपको कैसा लगा, मुझे
बड़ा ही मस्त लगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ खैर मैंने यूट्यूब पे और भी देखे जिस फिल्म से रिलेटेड थे, जिसमें रम्या के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो बना हुआ है जिसमें अजनीश को किडनैप कर लिया। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग जो हमको देखने को मिलती है कि एक जो प्रमोशन का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्टार्स लेकर, जैसे बॉलीवुड में होता है, बड़े बड़े आपने वेन्यूज़ जो है वो बुक कर लिए और वहाँ पर आप कुछ कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही कॉलेज रिलेटेड, जैसे कॉलेज बॉयज़, हॉस्टल बॉयज़, ये उस वाले थीम पर फिल्म है। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स पास्ट में रह चुकी हैं और ये सभी एक तरीके का एक लाइवलीनेस हमारी लाइफ में लेके आती हैं। तो आई एम श्योर मूवी बहुत मस्त होने वाली है। और वो एक जो रेबल सॉन्ग आया है इस फिल्म का, हॉस्टल डेज का, ये एक पोस्ट ऋषभ शेट्टी ने भी शेयर किया था कि उन्होंने इस सॉन्ग को बहुत एंजॉय किया। रक्षित शेट्टी ने ऑब्वियसली इस सॉन्ग, क्योंकि वो इससे जुड़ चुके हैं फिल्म से, तो वो इसको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस फिल्म को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इसका प्रमोशन और ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी जो बिल्कुल ग्राउंडेड फिल्म्स होती हैं जिनमें बिल्कुल कॉलेज लाइफ दिखाई जा रही है, वो बहुत 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 रिलेटेबल होती हैं। तो अगर आपने इसका टीज़र देखा है, आपने ये वीडियोज़ देखे हैं, आपका क्या रिएक्शन है मुझसे शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। बाकी If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it. And don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying Shit.